Hi there, Jogendra Tuteja. At Tuteja Talks Desi Martini, let me show you how Mardani has done in its first week at the box office. Film ki jo shuruaat hai, wo as expected rahi thi. Weekend pe film ne kafi achhi growth li thi, especially on Saturday. And then Sunday ko bhi film mein jump aaya tha, itna bada nahi aaya tha. Mujhe laga tha ki Saturday jump ke baad, bahut hi bada jump aayega, waisa nahi aaya tha. But still, the weekend turned out to be pretty satisfactory, actually better than expected. Weekdays par bhi film jo hai, wo tiki rahi. 2 se 3 crore ke beech mein film ke collections aate rahe, but hai, mujhe kahin ek kami khali. कि अगर ये फिल्म मंडे और ट्यूसडे को भी 3 करोड़ क्रॉस कर जाती तो शायद बात ही और होती, बिकॉज देन इट वुड हैव डेफिनेटली हिट द 30 करोड़ मार्क. अभी फिल्म ने फर्स्ट वीक में 28 करोड़ करे हैं, तो दैट्स अ बेटर नंबर देन व्हाट रानी मुखर्जी हैड रिसीव्ड इन मर्दानी और हिचकी, इनकी जो लास्ट दोनों फिल्म थी. प्राइमरीली शी हैज बीन अ सेंट्रल प्रोटैगनिस्ट इन बोथ दीज फिल्म्स, तो उस हिसाब से अच्छी है. लेकिन मुझे लगता है कि जो रिलीज डेट है वो शायद कहीं ना कहीं लड़खड़ आ गया ना. सरप्राइज, बिकॉज यशराज की फिल्म है, आदित्य चोपड़ा हैज बीन मेकिंग मूवीज फॉर सो मेनी ईयर्स, तो ये रिलीज डेट क्यों चूज करी? बिकॉज सामने से आ गई है दबंग 3, उसके बाद आ जाएगी गुड न्यूज. तो यहाँ पर फिल्म की जो स्क्रीन है वो डेफिनेटली कट शॉर्ट हो रही है, और जो अटेंशन है वो भी कट शॉर्ट हो रहा है, बिकॉज ऑडियंसेस वुड हैव डेफिनेटली गिवन इट मोर ऑफ अ चांस हैड इट कम अराउंड द टाइम जब इतनी बड़ी बड़ी पिक्चरें आगे नहीं आ रही होती. अभी फिल्म के 28 करोड़ है, नाउ दिस इज अ फिल्म दैट एक्चुअली डिजर्व्स टू गो पास द 50 करोड़ मार्क, लेकिन वैसा होगा नहीं. फिल्म की जो ओवरऑल लाइफ टाइम है, मुझे ऐसा लगता है कि 40-42 करोड़ तक आके सिमट जाएंगे. नाउ दिस फिल्म एक्चुअली डिजर्व्ड बेटर, बट देन द गुड थिंग इज दैट फ्रॉम द मेकर्स पर्सपेक्टिव इट्स अ सेफ वेंचर, क्योंकि फिल्म में जो कॉस्ट है वो कोई बहुत ज़्यादा है नहीं, होम ग्रोन फिल्म है. उसके अलावा डिजिटल से, सैटेलाइट से, यहाँ से जो फिल्म को काफ़ी अच्छी रिकवरी हो ही जाएगी. सो ओवरऑल सेफ है, द फिल्म कुड हैव बीन अ क्लीन हिट, लेकिन एक सॉलिड हिट नहीं होगी. इट विल टर्न आउट टू बी वन ऑफ दोज फिल्म्स विच इज अप्रिशिएटेड, डिड वेल इन थिएटर्स, गॉट सम एक्लेम एंड रिकग्निशन, एंड नाउ विल सून बी अवेलेबल ऑन द स्मॉल स्क्रीन फॉर द रेस्ट ऑफ द ऑडियंसेस टू वॉच इट वेल. तो देखते हैं कि आगे फिल्म कैसे नंबर्स लेकर आती है इन द नेक्स्ट 2 वीक्स, बट स्टिल ओवरऑल अ डिसेंट सक्सेस एट द बॉक्स ऑफिस. दिस जोगेंद्र टुटेजा साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुटेजा टॉक्स देसी मार्टिनी.